नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय, न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने ग्राउंड फ्लोर में मैंने जो सब्जियाँ लगाई है वो आपको दिखाऊंगा, और कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उनकी ग्रोथ किस तरह चल रही है और उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हमने भिंडी के प्लांट से की है। जो पहले प्लांट लगाए थे उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और उनमें अब फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे बर्ड्स बन रही है, देख रहे हो आप छोटी छोटी। तो ये पहले जैसे पहली बरसात हुई उसी टाइम इसके सीड लगा दिए थे कुछ प्लांट, ये देखिए। तो इनमें ग्रोथ भी अच्छी है और सब में बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई। इस तरफ जो लगाए हैं बड़े बड़े प्लांट हैं वो पहली बरसात में लगा दिए थे, ये देख सकते हो। तो भिंडी में इस टाइम क्या है कि इस तरह कीड़े लगते हैं और पत्तियाँ खा जाते हैं, तो ऐसे में क्या है आप राख का इस्तेमाल कीजिए। गोबर की कंडे की जो राख आती है उसका इस्तेमाल कीजिए, पत्तियों पे डाल दीजिए। तो इससे क्या है कि कीड़े बहुत कम लगेंगे। बरसात के सीज़न में ऐसा होता है कि हमारी जो सब्जियां होती है उनमें पत्तियों में कीड़े लगते हैं और ख़राब कर दे वेजिटेबल प्लांट को। तो देख सकते हो भिंडी के प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरफ ये भिंडी लगी हुई है और यहाँ कुछ चौलाए के प्लांट लगे हुए हैं, इनमें भी देखिए ग्रोथ अच्छी चल रही है। अभी इनमें फ्लावरिंग थोड़े टाइम बाद होगी, अभी छोटे छोटे प्लांट हैं। पर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है देखिए, इस तरह की काले काले ब्लैक कीड़े लगते हैं, ये देखिए इस तरह के कीड़े लगते हैं काले काले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको राख का इस्तेमाल करना है। गोबर के कंडे की जो राख आती है वो सबसे बेस्ट है, वही हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। तो इससे क्या है कि ये कीड़े चले जाते हैं, मर जाते, ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा बारिश होती है तो अपने आप चले जाते, पर कभी यह बारिश आके रुक जाती है थोड़े टाइम पर, ठंडा मौसम रहता है तो इसमें ज़्यादा एक कीड़े लग जाते हैं। तो इसीलिए राख का इस्तेमाल कीजिए। इस तरफ भी देखिए ये भिंडी के प्लांट है, कुछ छोटी छोटी भिंडियाँ निकलने लगी है यहाँ पे, ये देखिए। तो इधर भी ये भिंडी के प्लांट है, ये पहले के लगाए हुए प्लांट है, और यहाँ बैंगन का प्लांट है, ये पुराना है। तो ये देखिए इनमें भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई, अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर मिर्च के प्लांट लगा के रखे हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हो। इधर ये मिर्च के प्लांट है, ये देखिए पूरे मिर्च के प्लांट लगे हुए। इधर यहाँ से ये सब मिर्च के प्लांट है यहाँ पे। तो धीरे धीरे इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मिर्च के प्लांट में ज़्यादातर क्या समस्या आती है कि इसमें ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, तो इसमें भी सेम वही है, जो ज़्यादा सिकुड़ जाए तो इसको पूरा टिप से कट कर दीजिए। तो इससे क्या है पौधा भी आपका घना हो जाएगा और जो प्लांट में रोग लगा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हो मिर्च के पौधे। यहाँ इस तरफ और भिंडी लगाई है, ये देखिए पूरी छोटी छोटी है, और इधर बैंगन के भी कुछ प्लांट है, यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो इस तरह से है। ये प्लांट छोटे छोटे हैं तो ये बाद में सीड लगाए थे, इनमें क्या है कि अभी ग्रोथ स्टार्ट होगी और फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो ये देखिए इस तरह के कीड़े लगते हैं, ये भी मतलब ये भी पत्तियां खाते हैं। तो इन सबसे बचाने के लिए हमें पत्तों पे राख का इस्तेमाल करना है। आपके पास राख नहीं है तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, वो भी बेस्ट है। नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए पत्तियों पर, उससे भी क्या है कि आपके प्लांट है वो कीड़ों से बचे रहते हैं। अगर आप कुछ ध्यान नहीं दोगे तो कीड़े धीरे धीरे करके क्या है कि सब्जियों के जो पौधे हैं उनको खा जाते हैं पत्तियाँ, और पौधे हमारे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए राख का इस्तेमाल या नीम ऑयल का जो भी है वो आपके पास अवेलेबल, उसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधों को बचाइए। ये देखिए यहाँ पर पूरी भिंडियाँ लगी हुई है, और देख सकते हो हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, एक दिन बीच में रुकी थी, थोड़ी धूप निकली थी, बाकी सब बारिश हो रही है। तो घास भी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, साथ में यहाँ बैंगन के भी कुछ प्लांट लगाए हैं, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बैंगन के प्लांट हैं, और मिर्च भी साथ में लगी हुई है। तो अगर आपके पास भी ग्राउंड फ्लोर में जगह है तो आप लगा सकते हो, सब्जियाँ बहुत अच्छे से लगती है। आप चाहे तो ग्रो बैग में भी बड़ी बड़ी जो 12 इंच की ग्रो बैग आती है उनमें लगाइए,
उनमें भी सब्जियां अच्छे से ग्रो होती है और अच्छी सब्जियां लगती है। जैसे आप भिंडी लगा रहे हो तो 12x12 की बड़ी ग्रो बैग है तो उसमें दो दो भिंडी के प्लांट लगाइए, और बैंगन लगा रहे हो तो एक दो बैंगन के प्लांट लगा सकते हो बड़ी बड़ी ग्रो बैग में, उनमें अच्छे से ये ग्रो करेंगे। ये देखिए इस तरफ पूरे बैंगन और भिंडी दोनों लगे हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पे पूरी भिंडी और बैंगन है, इस तरफ का पूरा ऐसे कवर करते हैं, इस तरफ और भी प्लांट लगे हैं। ये देखिए ये भी चौलाई के प्लांट है, इनमें भी अब थोड़े दिन में इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर इनमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सब्जियां लगना स्टार्ट हो जाएगी इनमें भी। तो ये ज़्यादा बरसात की वजह से ये सब ऐसा हुआ है, तो ये देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये करी पत्ता का प्लांट है, उनमें भी देखिए, और यहाँ नींबू का पौधा लगा हुआ है, तो ये पौधा भी अब ग्रोथ अच्छी कर रहा है, इनमें भी देख सकते हो अच्छी ग्रोथ है। यहाँ देखिए ये सेम का प्लांट लगा हुआ है, बेल है, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए पूरा ऐसा बारिश की वजह से बादाम का पेड़ लगा था तो ये भी पूरा यहाँ पे टूट गया है, ये देख सकते हो पूरा टूट गया है, तो अब ठीक करना पड़ेगा। काफ़ी बारिश और तूफान आया था, तो ऐसे में क्या है कि प्लांट हमारे होते वो बहुत बचा के रखने पड़ते हैं, भले ग्राउंड फ्लोर में लगे हुए प्लांट हो पर उसमें नुकसान होता है। यहाँ देखिए ये भी सेम का प्लांट है, ये बंदरों ने कुछ खा लिए है पत्ते, और हो जाएगी धीरे धीरे फिर इनमें ग्रोथ। बंदर भी हमारे यहाँ आते हैं तो वो भी काफ़ी नुकसान करते हैं और प्लांट को ख़राब कर देते हैं। करेले का प्लांट लगा है, ये छोटे छोटे जो करेले आते हैं देसी वाले, वो वाले छोटे छोटे करेले इसमें लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ भी इधर कुछ प्लांट ऐसे ही लगाए थे जो ऑर्नामेंटल प्लांट हमारे आते थे वो नीचे लगा दिए हैं, साथ में यहाँ अनार का प्लांट लगा हुआ है तो इनमें भी फ्लावरिंग होती है पर फ्लावर जड़ जाते हैं। यहाँ पे साइप्रस वाइन निकल के आई है, गणेश बेल, और यहाँ पे अनार का प्लांट लगा हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इनमें भी ज़्यादा बरसात की वजह से क्या है कि फ्लावर जड़ जाते हैं। और इस तरफ ये लौकी का प्लांट लगा हुआ है, लौकी का प्लांट भी बेल काफ़ी लंबी हो गई है, इनमें भी अब धीरे धीरे देख इस तरह से है पूरा यहाँ पे फैला हुआ है। ये सब घास भी हटानी है, पूरी साफ सफाई करनी है, तो इस तरह से मेरा पूरा वेजिटेबल गार्डन है और इतनी सब्जियां लगा के रखी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड बाय। देखिए